हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा चौहान GWPC जोधपुर से। आज हम हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के यूनिट 3 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव के बारे में जानेंगे। हरित गृह या ग्रीन हाउस क्या है? कम तापमान वाली जलवायु में पौधों के विकास के लिए कांच की दीवारों और कांच की छत वाला एक पौध घर बनाया जाता है, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं। इस घर का तापमान बाहरी तापमान से अधिक रहता है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए उचित वातावरण प्राप्त होता है। सूर्य की किरणें पौध घर में कांच के माध्यम से सीधी प्रवेश कर भीतरी गैसों को गर्म कर देती है। गैसें कांच की छत और दीवारों से घिरी होने के कारण बाहर निकल नहीं पाती है। गैसों के निरंतर गर्म होने से भीतरी तापमान बाहरी तापमान से अधिक हो जाता है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव या पौध घर प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव में बाहर का ताप भीतर तो आ जाता है, परंतु ऊष्मा के अविकृत लाल किरणें यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को कांच द्वारा भीतर ही रोक लिया जाता है। हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस में दिखने वाले जो प्रक्रिया है, उस तरह ही हमें उसका प्रभाव प्रकृति में भी देखने को मिलता है। सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली अधिकांश किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर उसे गर्म करती हैं। गर्म सतह से ऊष्मा पुनः अंतरिक्ष में लौटती है, परंतु मार्ग में आने वाली कुछ गैसों के आवरण से इसका परावर्तन पुनः पृथ्वी की ओर हो जाता है। इस प्रक्रिया से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों में मुख्य गैसें हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में अन्य गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अपना योगदान देती है। इन गैसों का उत्पादन जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल, गैस के प्रयोग से, एयर कंडीशनर द्वारा, लाइफ स्टॉक मैन्योर द्वारा, श्वसन द्वारा उत्पन्न होती है। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैसों का विश्व उष्णन में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यह सत्य है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान का संतुलन बना रहता है। एक अध्ययन के अनुसार यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी की सतह का तापमान वर्तमान तापमान से लगभग 330 सेल्सियस कम रहता। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की अनुकूल जलवायु बनाए रखने में ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु इन गैसों का अंश वायुमंडल में बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। प्रत्येक ग्रीन हाउस गैस का इस वृद्धि में योगदान एक समान नहीं है। एक निश्चित समय से किसी गैस द्वारा हुई तापमान वृद्धि को उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP अर्थात विश्व ऊष्मीय विभव कहते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के GWP को एक इकाई मान लें तो मीथेन का GWP लगभग 25, नाइट्रस ऑक्साइड का लगभग 300 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का GWP कई हजार गुना होता है। यहाँ तक बात ध्यान देने योग्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड का GWP कम होते हुए भी उसकी वायुमंडल में अधिक सांद्रता के कारण विश्व तापमान वृद्धि में योगदान अधिक रहता है। सन 1980 और 90 के दशक में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों द्वारा विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में निम्न योगदान रहा। कार्बन डाइऑक्साइड का 55%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 24%, मीथेन का 15 तथा नाइट्रस ऑक्साइड का 6%। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के फलस्वरूप तापमान में वृद्धि होती है। एक अध्ययन के अनुसार 2500 तक पृथ्वी का
तापमान 1.5 से 4.5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होती है तथा इसके द्वारा कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब हम इनके द्वारा उत्पन्न हानिकारक प्रभावों के बारे में जानेंगे। पहला है तापमान वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव। इनमें प्रथम आता है मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, यानी कि ध्रुवों की बर्फ का पिघलना। पृथ्वी के तापमान में तनिक वृद्धि ध्रुवों पर जमे बर्फ के विशाल भंडार के एक बड़े भाग को पिघलाने में सक्षम होती है। इससे समुद्र तल में वृद्धि होती है। इससे ऐसे देश जो मात्र टापुओं पर बसे हुए हैं, जैसे मालदीव, या जो विशाल डेल्टाओं से भरे पड़े हैं, जैसे बांग्लादेश, मिस्र आदि, बहुत अधिक प्रभावित होते, संभवतः पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएंगे। और यही हाल समुद्र तटों पर बसे मुंबई जैसे विशाल नगरों का होगा। वेनिस तो खतरे की सीमा में आ चुका है और धीरे धीरे डूब रहा है। इसके साथ ही समुद्र का खारा जल धरती पर फैलकर मीठे जल स्रोतों को नष्ट कर देगा, तो मानव जाति के लिए एक विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार कई साइक्लोम्स, यानी कि चक्रवात और तूफान भी उत्पन्न होते हैं, जिससे जान और माल की भारी हानि होती है। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा अर्थक्वेक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। विश्व के तापमान की वृद्धि से यदि विशाल ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, तो इससे भू संतुलन में परिवर्तन होता है, जिससे परिणाम स्वरूप भूकंप आ सकते हैं और ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं। ग्लेशियर भी सिकुड़ने लगते हैं। तापमान के वृद्धि द्वारा पिघलने की दर बढ़ने लगती है और ग्लेशियर आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे की ओर सिमटने लगते हैं। इनके आकार व लंबाई में कमी होती चली जाती है। इसका सर्वविदित उदाहरण गढ़वाल का गंगोत्री ग्लेशियर है। विश्व उष्णन का जलवायु पर प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकता है। जलवायु से खेती, जल स्रोत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र आदि प्रभावित होते हैं। फसलें कम होने से अकाल की स्थिति बन जाती है। जल स्रोतों से कृषि और पशुधन दोनों ही प्रभावित होते हैं। ऊर्जा देने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक बंद हो सकते हैं और देश का विकास रुक सकता है। विश्व उष्णन का कृषि पर प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान बढ़ता है। इससे पौधों से जल का वाष्पन तीव्र गति से होगा तथा मृदा में नमी देर तक नहीं रह पाएगी। इससे फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही बढ़ा हुआ ताप नाशकारक जीवों को पनपने में, विशेष रूप से सर्द देशों में, मदद करेगा और इनका आधिक्य फसलों को शीघ्र नष्ट कर देता है। अतः फसलों की इस प्रकार की प्रजातियों की आवश्यकता होगी जो अधिक ताप सह सकें, कम जल में पनप सकें तथा नाशकारक जीवों से अप्रभावित रह सकें। तापमान में वृद्धि नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी प्रभावित करती है। विश्व उष्णन का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का असर मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जलवायु और मौसम परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अधिक गर्मी में लू लगने से मृत्यु हो सकती है। मौसम के बदलने के साथ ही कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके इन दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लोगों को जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना चाहिए तथा अन्य गैसों के उत्सर्जन स्रोतों को हटाना पड़ेगा। सघन पौधारोपण करना होगा, जिससे हरित गृह प्रभाव को कम किया जा सके। धन्यवाद।